हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। माय नेम इज आमिर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रीड अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वेरी इजीली। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ें, कैसे समझें, उसमें क्या दवाई लिखी हुई है जो कि हमें समझ नहीं आती। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी हद तक केमिस्ट लोगों के लिए जो कि न्यूली शॉप ओपन करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या दवाई है, कैसे लिखी है, कैसे खानी है, उनके लिए भी है। और बेसिकली ये जो मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का, ये पेशेंट्स के लिए और उनको दवाई जो खिलाते हैं उनके लिए है। सो गाइस, जब भी हमारे हाथ में कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है, हमें समझ नहीं आता कि दवाई कैसे खानी है, तो हम अपने केमिस्ट के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, भैया ये दवाई हमें बता दो या लिख दो कि ये दवाई हमें कैसे खिलानी है हमारे पेरेंट्स को या हमारे भाई को या बहन को या वाइफ को। तो गाइस, उसका सीधा सा तरीका ये है। एक बात और आपको बता दूँ, ये जो प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग है ये कहीं भी सिखाई नहीं जाती, ये आती है प्रैक्टिस से। सो गाइज, इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि केमिस्ट एकदम कैच कर लेते हैं कि कैसे खानी है कैसे नहीं खानी। लेकिन आपको बहुत ही बेसिक फॉर्मूला एक मैं दे रहा हूँ, जिससे आप बस इतना समझ जाओगे कि हाँ, ये दवाई कब खानी है कैसे खानी है। सो गाइज, जब भी डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके आगे लिखते हैं OD, BD, TDS या BBF, जो कि हमें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है और इसमें दवाई कैसे लेनी है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, केमिस्ट के पास चले जाते हैं कि भैया ये दवाई कैसे खानी है बता दो या लिख दो। तो उसी का सॉल्यूशन आज आपको मैं दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको साइड स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, उसको आपको समझना होगा। अगर आप वो समझ सकते हो तो आप दवाई की डोजेस समझ सकते हो कि कैसे खानी है। तो गाइस, सबसे पहले आपको साइड में नज़र आ रहा है OD। OD का मतलब होता है, कोई भी दवाई के आगे अगर OD लिखा हुआ है, उसका मतलब है ये दवाई आपको नाश्ते के बाद लेनी है। दूसरा BD, इसका मतलब है ये दवाई आपको दिन में 2 बार लेनी है, आफ्टर मील लेनी है, एक बार सुबह एक बार शाम। एक दवाई का साइन होता है TDS, इसका मतलब है कि ये दवाई आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर रात या सुबह दोपहर शाम। और गाइस, BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, ये दवाई आपको नाश्ते से पहले लेनी है। और एक साइन आपको अक्सर नज़र आता होगा SOS, जब भी ये दवाई की नीड हो ये तभी खानी है, अदरवाइज़ लेने की नीड नहीं है। जैसे हमारे पेट में दर्द की दवाई डॉक्टर लिख देते हैं या फीवर के लिए लिख देते हैं। तो गाइस, बाकी आपको साइड स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये साइंस आपको याद करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे, तभी आपको ये वीडियो का सारा पता चलेगा कि आखिर इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा था। अगर आपको ये साइन नहीं पढ़ना आते तो फिर आपके लिए वीडियो वेस्ट हो जाएगी। तो ये 4-5 ही साइन है एक प्रिस्क्रिप्शन को समझने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये 4-5 साइंस की प्रैक्टिस करेंगे और या याद करेंगे या अपने पास लिख के रख लेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।